व्हाट इज फिक्सेटिव? फिक्सेटिव कौन सी चीजों को कहा जाता है? क्या ये मस्क है या मर्करी या सैंडलवुड? इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए हमें समझना होगा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ परफ्यूमरी, अर्थात पुराने दिनों में परफ्यूमर्स क्या करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पुराने दिनों में परफ्यूमर्स ने देखा था कि गुलाब या नींबू टाइप के ऑयल के साथ, अर्थात फ्लोरल्स और एक्वाटिक टाइप के चीजों के साथ मस्क, एम्बरग्रीस, सैंडलवुड को अगर थोड़ा मात्रा में कंबाइन किया जाए तो इनकी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, रेजिनॉइड्स भी आते हैं फिक्सेटिव के कैटेगरी में। तो आज के दिन में दोस्तों यही सारी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक वर्शन पे। जैसे मस्क कैटेगरी में आता है मस्क एम्ब्रेट, मस्कीटोन, गैलेक्सोलाइट और भी कई सारी चीजें हैं। एम्बरग्रीस टाइप में आता है एम्ब्रोक्सन, सैंडलवुड टाइप में आता है सैंडीला और रेजिनॉइड्स अभी भी मार्केट में सस्ते में मिलते हैं, तो इन चीजों की केमिकल वर्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों फिक्सेटिव को सही तरह से इस्तेमाल कैसे करें? तो दोस्तों फिक्सेटिव को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमें करना होगा डाइल्यूशन, अर्थात इन चीजों को सॉल्वेंट के इस्तेमाल से डाइल्यूट करना है। तो ये सॉल्वेंट्स कौन से चीजें होते हैं? सॉल्वेंट के तौर में बेसिक तरह से इस्तेमाल होता है डीपीजी, एपीपी, डीईपी, डीओपी, इथाइल अल्कोहल, बेंजाइल बेंजोएट और भी कई सारे चीजें। तो अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, डाइल्यूशन करने की मात्रा क्या होना चाहिए? डाइल्यूशन नेसेसिटी के अनुसार या नीड के अनुसार होता है, पर एक बेसिक गाइडलाइन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। जैसे एम्ब्रोक्सिन की 10%, गैलेक्सोलाइट की 50%, मस्क एम्ब्रेट की 30% और रेजिनॉइड्स की 50% वाली डाइल्यूशन ज्यादातर क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। और दोस्तों ये सिर्फ एक रेफरेंस है, आगे जाके जब आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने समझ के अनुसार इन चीजों को डाइल्यूट करेंगे। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि फाइनली एक प्रोडक्ट में फिक्सेटिव को हम कैसे इस्तेमाल करें। तो देखिए जैसे मेरे पास है ये 3 ml की कदम की इत्र, तो यहाँ पे अगर मैं फिक्सेटिव को इस्तेमाल करूँगा तो मैं चंदन की ऑयल को डालूंगा जो नेचुरल ऑयल है, और इस ऑयल को डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है और ये जाएगा सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप यहाँ। तो 3 ml में 3 ड्रॉप एक स्टैंडर्ड हिसाब से है। और दोस्तों यहीं पे अगर मैं सिंथेटिक फिक्सेटिव को इस्तेमाल करता जैसे कि गैलेक्सोलाइट, तो उसकी 50% वाली डाइल्यूशन से शायद 1 या 2 बूंद मैं इस्तेमाल करता। तो ये जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें इस्तेमाल करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक स्ट्रक्चर हम मन में सोच लेते हैं कि कौन सी चीज़ों के साथ कौन सी चीज़ों की अच्छी तरह से को एग्जिस्टेंस होगी, फिर जाके उन चीज़ों को हम फिक्सेटिव के तौर में डालते हैं। और दोस्तों इस बीच मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, इसीलिए ये वीडियो निकालने पे मुझे बहुत वक्त लग गया। एक्चुअली इस बीच एरोमा केमिकल्स को लेके काफ़ी सारे नए अरेंजमेंट्स के साथ मैं जुड़ा हुआ था। एंड फाइनली वी हैव रीबिल्ट आवर इन्वेंटरी। अभी हमारे पास 120 एरोमा केमिकल्स मौजूद हैं जो हाई क्वालिटी की इम्पोर्टेड मटेरियल्स हैं। तो अगर आपको एरोमा केमिकल्स की नीड है तो आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कीजिए, स्क्रीन पर मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको अपडेटेड प्राइस चार्ट भेज दूंगा। और खुशी की बात यह है कि ये सारे एरोमा केमिकल्स छोटे क्वांटिटी में भी आपको मिलेंगे। 25 ग्राम इज अवर मिनिमम परचेस क्वांटिटी और अबव कुछ भी हो सकता है, 2 kg, 10 kg, 20 kg, आप जैसा चाहें। तो दोस्तों आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं, बहुत ही जल्दी मिलेंगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।